सिद्धू को काले झंडे दिखाए गए हैं। पंजाब के नवांशहर में नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध हुआ है, यहां पर किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाए हैं। इस दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हुई है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद नवांशहर के गाँव खटखड़ कला में शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे और कीर्ति किसान यूनियन ने सिद्धू के इस दौरे को सियासी स्टंट बताते हुए उनका विरोध किया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, ये तमाम किसान काले झंडे लेकर, पुलिस की बड़ी संख्या वहां पर और सिद्धू को आने से रोका जा रहा है, उनका जमकर विरोध किया जा रहा है क्योंकि सिद्धू का ये स्टंट बताया जा रहा है। विशाल अंग्रेज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। विशाल, ये तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, नवांशहर कांग्रेस के लिए बहुत मायने रखता है और वहां सिद्धू का जमकर विरोध हो रहा है। देखिए विपिनेश, आज नवजोत सिंह सिद्धू जो पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं उनका पहला दौरा था जो पब्लिक दौरा कहा जा सकता है और आज वो अमृतसर जा रहे थे, लेकिन खटखड़ कला में शहीद भगत सिंह के समाधि के ऊपर उन्होंने श्रद्धा के फूल भेंट करने थे, लेकिन ऐन मौके के ऊपर किसान यूनियन ने वहाँ पर डेरा जमा लिया और कहा कि जब तक चार दिन हो गए हैं सिद्धू प्रधान बने हुए हैं, लगातार ही विधायकों के घरों में जा रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए उनके पास एक शब्द नहीं है, बल्कि किसान दिन रात एक किए हुए हैं। पार्लियामेंट में उनकी लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने पूरी तरह मौन धारण कर लिया है और किसानों के लिए अभी तक उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला और यही वो पूछने भी आए हैं कि किसानों के बारे में उनकी क्या राय है, क्यों वो अभी तक उन्होंने चुप्पी धारण की हुई है, किसानों के ऊपर क्यों नहीं वो बोल पा रहे और किस तरह से किसानों के बारे में लंबे चौड़े उन्होंने वायदे किए थे, पंजाब सरकार ने वायदे किए हुए थे, वो अब तक पूरे किस तरह से नहीं हुए हैं। किसानों का कर्जा माफ़ी होना था, इसीलिए दलितों की बात कही जानी थी और कई वादों को याद करवाने के लिए वो यहाँ पे आए थे और सिद्धू से सवाल वो पूछना चाहते थे, लेकिन सिद्धू को दूसरी ओर से निकाल दिया गया है और निकालने के बाद फिर से किसानों ने रास्ता जाम कर दिया और रास्ता जाम करने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब कांग्रेस के खिलाफ, पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लोगों को समस्याएं पेश आने लगी, तो उसी समय जो रास्ता जाम किया गया था उसको खोल दिया गया और जिस तरह से आज पहले दिन ही पहले फंक्शन में ही भारी विरोध किसानों का देखने को मिल रहा है और अब नवजोत सिंह सिद्धू कल श्री दरबार साहब में माथा टेकने जा रहे हैं, ये वहीं पर दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने घर पर लगातार ही विधायकों को और मंत्रियों को बुला रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि तो किसानों के लिए क्या प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धू बदल गए हैं क्या विशाल? देखिए अभी तक जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ही सरकार के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, चाहे बिजली के मुद्दे हों या दूसरे मुद्दे हों उनके ऊपर, लेकिन किसानों के बारे में अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू का एक भी ट्वीट नहीं दिखाई दिया इन दिनों में और वही किसान जिस तरह से हमारे वहाँ पर सहयोगी ने उनसे बातचीत भी की कि आपने क्यों नवजोत सिंह सिद्धू का रास्ता रोकने की कोशिश की।